हाय स्टूडेंट, वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम कवर करने वाले हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने पहले वीडियो में देख लिया है, और इसमें डिस्कस करेंगे एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। तो जैसे कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट। अगर किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट से होता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, क्या बनता है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, व्हेन ए मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब जब कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करता है, जब कोई मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है एग्जाम्पल में कि सोडियम कार्बोनेट। अब ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम क्या हो गया, मेटल CO3 कार्बोनेट आयन है। तो सोडियम कार्बोनेट दिया गया है। अब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करें तो ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा सॉल्ट के फॉर्म में, यहाँ पे निकलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखो दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करें, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये भी क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट ये भी एक तरह का सॉल्ट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से करें, ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से करें तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा ये, सोडियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, मीन्स अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसी एसिड से करेंगे तो डेफिनेटली क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इस चीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो एक ये भी क्या एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी थी।